हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पटना हाई कोर्ट में जो बहाली चल रही है उस बहाली के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जो बहाली चल रही है दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें सैलरी भी अच्छी है। अगर आप लोग 12th पास है तो आप लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। मैं आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्या सैलरी, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है, एग्ज़ाम डेट वगैरह कब तक है, कितना फ़ी आपको पे करना होगा इस वैकेंसी को ऑनलाइन करने के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी भी देने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले आप लोगों के पास लेके आता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिया है। और इस पीडीएफ, ये तीन पेज का पीडीएफ है। पीडीएफ मुझे लगता है नहीं है कि आप लोग समझ पाओ क्योंकि काफ़ी लंबा है और काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है। तो मैंने शॉर्ट में इसमें जो है नोट डाउन कर लिया है कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना फ़ी पे करना होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में ही आपको समझाना चाहूँगा। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी 18 तारीख से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है, वो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, आप लास्ट डेट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट है 8/5/2019, यानी 8 मई 2019 तक जो है आप फॉर्म जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है, हम अगर लास्ट जो है डेट जो है कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 13/5 तक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के लिए आप लोग चेक कर सकते हो, नोटिफाइड सून, यानी जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में अगर हम फीस की बात करें तो फीस आप देख सकते हो, अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो है पे करना होगा फीस के तौर पे। और ये जो पेमेंट जो है आप जो है किसी भी तरह कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूँ, 12th पास तो होनी चाहिए, जो टोटल पोस्ट जो है 20 है। और ये जो क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, कोई भी सब्जेक्ट है कोई इशू नहीं है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी है कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जो है कोर्स भी बताया गया है कि एक डीसीए जो है ये हायर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए, टेक्निकल डिग्री इन सीएस या आईटी, यानी आपके पास एक डीसीए की डिग्री होनी चाहिए, एक जो कंप्यूटर बेसिक जो कोर्स होता है डीसीए उसकी एक डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो पोस्ट जो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो जनरल मजदूर कंप्यूटर नोइंग, यानी आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ही आप लोगों को हायर किया जाए, तो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और एक डीसीए की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डीसीए की सर्टिफिकेट के लिए आप लोग कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली अभी के टाइम में बहुत सारे जो है वो कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, बेसिक कोर्स करते ही हैं। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर आप टाइप कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप ज़रूर टाइप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।